Morning students, as we have done these two theorems in our last two lectures, first is Cauchy's theorem, and what was this theorem? That if sigma an sigma bn कोई भी दो absolutely convergent series हैं such that an converges to a and bn converges to b, then their Cauchy product series, that is cn, is also absolutely convergent and this converges to product of a and b. This we have already done in a lecture, in our previous lecture. And the second theorem, that is Martin's theorem, this we have already done. ये theorem क्या है कि अगर sigma an और sigma bn दो convergent series हैं और इनमें से एक series, that is an जो है, अगर वो absolutely converge करती है तब भी जो Cauchy product आएगा वो series क्या करेगी, converge, और किस पे converge करेगी, a into b पे. Now we will do the next theorem, that is Cesaro's theorem. और ये theorem क्या कहती है, अगर दो sequences हैं हमारे पास an and bn and an converges to a and the bn sequence converges to b, then the sequence which is a1 bn plus a2 bn minus 1 and so on up to an b1 divided by n, जो ये sequence बनेगा वो कहता है कि ये भी क्या करेगा, converge, और कहाँ converge करेगा, जहाँ ये दोनों sequences converge करती हैं उनके product पे. So now we are going to prove this result, that is Cesaro's theorem. क्या रिजल्ट है हमारा कि अगर दो सीक्वेंसेस हैं ए एन एंड बी एन सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू ए एंड बी, देन देयर उनको यूज करके सीक्वेंस बनाया हमने इस टाइप का, ये सीक्वेंस भी क्या करेगा, कन्वर्ज, और किस पे कन्वर्ज करेगा, ए एन टू बी पे. टू प्रूव दिस रिजल्ट, फर्स्ट वी सपोज दैट ए एन इज इक्वल्स टू, जहां ये कन्वर्ज कर रहा है, ए प्लस पी एन. पी एन इसमें ऑब्वियसली इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो वी कैन राइट ए एन एज ए प्लस समथिंग, सो वी सपोज दैट वैल्यू इज पी एन. नाउ ए एन कन्वर्जेस टू ए, तो अगर यहां से हम पी एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए. नाउ वॉट इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन माइनस ए. एज ए एन कन्वर्जेस टू ए, देयर फोर ए एन माइनस ए किस पे जाएगा, we know that this value is n approaches to infinity an minus a, और ये किस पे जा रहा है, a पे जाएगा, therefore this value is equals to 0, it means this sequence pn converges to 0. अगर pn 0 पे converge करता है तो we can easily see that mod of pn also converges to 0. Now हमें proof क्या करना है कि जो ये sequence है वो किस पे converge करेगा, a into b पे. सो वी फाइंड आउट दिस वैल्यू कि ये वैल्यू किस पे कन्वर्ज करती है, पहले चेक करते हैं ये वैल्यू बनेगी क्या. नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज ए वन बी एन प्लस ए टू बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन बी वन होल डिवाइडेड बाय एन. इन दिस इक्वेशन, इन दिस वैल्यू वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एन, दैट इज ए वन ए टू अप टू ए एन, इन सबकी इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ वैल्यू क्या आएगी, ए वन इज ए प्लस पी वन. अगर हम यहां पे एन की वैल्यू वन पुट करें तो ए वन क्या आएगा, ए प्लस पी वन. सो वी सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज ए प्लस पी वन इंटू बी एन, देन ए टू इज ए प्लस पी टू इंटू बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन. ए एन इज वॉट, ए प्लस पी एन इंटू बी वन होल डिवाइडेड बाय एन. नाउ वी कैन सी वॉट इज दिस, अगर मैं ये ए वाली टर्म्स को अलग कर लूं तो इन सभी टर्म्स में से वी कैन टेक ए कॉमन, तो बाकी इसके साथ ए का कॉफिशियंट बनेगा क्या, दिस इज बी एन, बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू बी वन. सो वॉट वी गेट, बी एन, बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू बी वन प्लस बाकी टर्म क्या बचेगी हमारे पास, पी वन बी एन प्लस पी टू बी एन माइनस वन and so on up to pn b1 whole divided by n. So what we get actually, इससे हमें पास क्या मिलेगा last, what we get, हमारे पास term क्या थी, a1 bn bn plus a2 bn minus 1 and so on up to an into b1, ये value divide by n, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ए टाइम्स बी वन प्लस बी टू अप टू बी एन डिवाइड बाय एन.
प्लस बाकी टर्म क्या बची हमारे पास, पी वन बी एन प्लस पी टू बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू पी एन इंटू बी वन डिवाइड बाय एन. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू दैट सिग्मा सॉरी सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू बी. अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉड ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी एन. व्हाई, बिकॉज बी एन इज कन्वर्जेंट और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड. और ये बाउंडेड है तो ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे इस टर्म की इस सीक्वेंस की सारे टर्म्स क्या होंगी, इसका मॉडुलस के से क्या होएगा, लेसर फॉर एवरी एन. नाउ वी कैन यूज इट हियर. नाउ इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू, दिस इज पी वन बी एन प्लस पी टू बी एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू पी एन बी वन डिवाइड बाय एन. एज वी कैन इजली सी दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 by n times mod of p1 into mod of bn plus mod of p2 into mod of bn minus 1 and so on up to mod of pn into mod of p1. अब हमें पता है ये जो सीक्वेंस है हमारे पास bn, ये क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये बाउंडेड भी है. इसका मतलब इसकी हर एक वैल्यू क्या है, k से लेसर. तो वी कैन यूज इट हेयर, इट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल टू हर टर्म में बी वन, बी वन भी लेस देन के होगा, बी टू भी लेस देन के होगा एंड बी एन भी लेस देन के होगा. तो हर टर्म में ये जो पार्ट है ये सारे के सारे लेस देन के होंगे. सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज के बाय एन इनटू मॉड ऑफ पी वन प्लस मॉड ऑफ पी टू एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ पी एन. नाउ हमारे पास एक रिजल्ट जो हमने प्रूव किया कि मॉड एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ पी एन अप्रोचेस टू जीरो. अगर हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो बाय कॉशिस फर्स्ट थ्योरम, कॉशी फर्स्ट थ्योरम क्या थी, अगर कोई सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करती है, तो अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास सी एन जो किस पे कन्वर्ज कर रही है, जीरो पे, देन वी कैन टेक सी वन सी टू अप टू सी एन तक का सम डिवाइड बाय एन. जो ये सीक्वेंस होगी वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे. सो यूजिंग दिस रिजल्ट अगर पी एन मॉड ऑफ पी एन जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज करती है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट कॉशिस फर्स्ट थ्योरम व्हाट वी गेट, मॉड ऑफ पी वन प्लस मॉड ऑफ पी टू एंड सो ऑन अप टू मॉड ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन. ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे. सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट व्हाट वी गेट कि ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे. अगर ये जीरो पे जा रहा है इसका मतलब ये वैल्यू भी किस पे जाएगी, जीरो पे. इट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू थी ए वन बी एन एंड सो ऑन अप टू ए एन बी वन अपॉन एन, ये वैल्यू इसके इक्वल थी और हमने प्रूव कर दिया एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो. नाउ इट मीन्स ये उसी पे कन्वर्ज करेगा जहां पर ये वैल्यू क्या करेगी, कन्वर्ज. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए टाइम्स बी वन प्लस बी टू अप टू बी एन डिवाइड बाय एन. As again by using Cauchy's first theorem, हमें क्या given है कि bn एन कन्वर्जेस टू बी. देन बाई यूजिंग Cauchy's first theorem, b1 वन प्लस बी टू अप टू बी एन डिवाइड बाई एन, ये सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, b पे. अगर ये सीक्वेंस भी b पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ कन्वर्ज करेगा, दिस प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू a इंटू b. इट मीन्स दिस वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू थी ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ए इंटू बी पे. क्योंकि ये ए बी बन गया, ये ए बी पे कन्वर्ज कर रहा है और ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे. तो इट मीन्स दिस वैल्यू कन्वर्जेस टू ए बी. इट मीन्स ये एक सीक्वेंस था जो हमें फाइंड आउट दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए इंटू बी पे. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सिज़ेरोस थ्योरम. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज एबल्स थ्योरम. As we have already done Abel's lemma, Abel's test, now we are going to prove Abel's theorem. Abel's theorem में क्या है कि अगर an और bn दो convergent series हैं, such that an converges to a and bn series converges to b, then इनका जो Cauchy product अगर जो given है, Cauchy product जो होगा, अगर वो भी convergent है, ये दोनों series भी convergent है और इनका Cauchy product भी क्या है, कन्वर्जेंट, देन इट्स Cauchy प्रोडक्ट. अगर ये कन्वर्जेंट है
then its Cauchy product converges to product of A and B. ये जरूरी नहीं है कि अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो उनका Cauchy product भी कन्वर्जेंट हो. इसका एग्जाम्पल भी हमने पीछे किया था. बट अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हैं और उनका Cauchy product भी कन्वर्जेंट है तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा? A और B के प्रोडक्ट पे. दिस यू हैव टू प्रूव. वी आर नॉट गोइंग टू से इन दिस थ्योरम कि अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, Cauchy प्रोडक्ट भी क्या होगा, कन्वर्जेंट. ये नहीं कह रहे हम इसमें. ये क्या कह रहे हैं इस रिजल्ट में कि अगर ए एन और बी एन दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो और उनका Cauchy प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करता है तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा, जहां ये दोनों सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं उनके प्रोडक्ट पे. सो नाउ लेट्स प्रूव दिस रिजल्ट. वी सपोज ए एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज सिग्मा ए एन एंड बी एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज सिग्मा बी एन एंड एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज दैट इज Cauchy प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीरीज. जब हमें दिया हुआ है कि ए एन सीरीज कन्वर्ज करती है ए पे, इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी किस पे कन्वर्ज करेगा, ए पे. सो इट मीन्स एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस टू ए. And similarly, BN sequence of partial sum किस पे कन्वर्ज करेगा, B पे. और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट दिया हुआ है बट किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है दैट इज नॉट गिवन. सो हम मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, जब Cauchy प्रोडक्ट का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो कन्वर्ज करता है S. Now we have to prove कि S किसके इक्वल होगा, A into B के. How will you prove it? Now we suppose sequence of partial sum of Cauchy product. क्या लिया हमने, Sn. उसकी value क्या होगी, That is sum of n terms of Cauchy product. Now what is Cauchy product? C1 की value क्या होती है Cauchy product से, A1 B1. C2 की value क्या होती है, A1 B2 plus A2 B1. Similarly आगे वाली terms और Cn की value क्या होती है, A1 Bn plus A2 Bn minus 1 and so on up to a n b 1. Now from here if we calculate the coefficient of a 1 to wo kya aayega, this is b 1 plus b 2, kahan tak hai coefficient, last term mein b n. Similarly what is the coefficient of a 2 from here, a 2 b 1 se lekar kahan tak jana hai, b n minus 1 tak. And so on up to last is coefficient of an is only one term, that is b1. So what we get, sn is equals to this value. Now what is b1 b2 up to bn ka sum, this is sum of n terms of the series sigma bn and its sequence of partial sum is bn. Therefore this is nothing but a1, ye kya banega, bn. And what is this value, this is sum of n minus 1 terms of this sequence. So it is nothing but bn minus 1. And similarly you can write, what is b1? It is only one term of this sequence. That is equals to b1. Now this is your sn. Now we calculate sn minus 1. No need to repeat this procedure. You can just replace n by n minus 1 in this. And you will get sn minus 1. What will you get? a1 bn minus 1. Plus a2 bn minus 2 and so on up to an minus 1 into b1. Similarly you can calculate sn minus 2, that is ab replace karo n ko n minus 2 se. To kya aajega, a1 bn minus 2, a2 bn minus 3 and so on up to an minus 2 into b1. Similarly can you calculate s1? S1 means n will be replaced by 1. So what is the value? A1 B1. अब इसके बाद ये negative हो जाएगी, zero हो जाएगा, पर B0 है नहीं है, इसका मतलब ये वाले terms नहीं आएंगे. और last sum हम कहां तक जा रहे हैं, n equal to 1 मतलब A1 B1 तक. So only one term in S1, that is A1 B1. Now what is sum of all these terms? If I add all these S1 plus S2 up to Sn, अगर हम इन सारी टर्म्स को ऐड करें तो क्या आएगा? नाउ फर्स्ट टर्म इज ए वन बी एन. नाउ कॉफिशेंट ऑफ बी एन माइनस वन, यू कैन सी कि डायगनली अगर हम टर्म्स उठाएं तो वो सेम बी एन माइनस वन के क्या है, कॉफिशेंट्स. तो व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ बी एन माइनस वन, दैट इज ए वन प्लस ए टू. सिमिलरली व्हाट इज द कॉफिशेंट ऑफ बी एन माइनस टू, ये टर्म और इसमें नेक्स्ट,
इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ए थ्री बी एन माइनस टू. सो वट इज द कॉफिशियंट फ्रॉम हियर, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री. एंड सिमिलरली वट इज द कॉफिशियंट ऑफ बी वन, दिस इज ए वन ए टू अप टू तक, कहाँ तक जाएंगे हम, ए एन तक. सो इट इज ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन. नाउ ए एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन. ए एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन. सो नाउ वी कैन राइट दिस वैल्यू, ए वन वी कैन राइट एज कैपिटल ए वन, बी एन एज इट इज, बी एन माइनस वन ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ ए एन सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो इट इज नथिंग बट ए टू. एंड ये क्या है, जो सीरीज है सीक्वेंस बनाया हमने पार्शियल सम का, उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ए थ्री एंड सो ऑन अप टू बी वन टाइम्स ए एन. सो योर एस वन एस टू अप टू एस एन का जो सम है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू. नाउ इफ आई डिवाइड दिस बाय एन वी गेट दिस, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल. अब जहां ये कन्वर्ज करेगा वहीं ये भी कन्वर्ज करेगा. नाउ यूजिंग कॉशी थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, हमें गिवन क्या है कि जो एस एन सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करता है, एस पे. तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम से क्या आएगा कि इसकी एन टर्म्स का सम डिवाइड बाय एन, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी किस पे कन्वर्ज करेगा, एस पे. तो ये वैल्यू भी किस पे कन्वर्ज करेगी, एस पे. एंड यूजिंग प्रीवियस थ्योरम दैट इज योर सिज़ेरोस थ्योरम, उसमें क्या किया था, अगर एक सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा सीक्वेंस बी पे कन्वर्ज कर रहा है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक नया सीक्वेंस बनाए इस टाइप की टर्म्स का, ए एन एक सीक्वेंस है ए पे कन्वर्ज कर रहा है, बी एन एक सीक्वेंस है जो बी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इस टाइप का जो सीक्वेंस बनेगा वो भी वो किस पे कन्वर्ज करेगा, जहां पे ए और बी कन्वर्ज कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट पे. इसका मतलब ये किस पे कन्वर्ज किया, दिस कन्वर्जेस टू ए बी. नाउ ये ए बी पे कन्वर्ज कर रहा है और ये एस पे कन्वर्ज कर रहा है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल. इसका मतलब एस इज इक्वल्स टू ए बी. इट मीन्स जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है एस एन वो किस पे कन्वर्ज करेगा, ए इंटू बी पे. दिस यू हैव टू प्रूव. दिस इज ऑल अबाउट एबल्स थ्योरम. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू प्रॉब्लम्स ऑन दीज टू थ्योरम्स. थैंक यू वेरी मच.